आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। सिद्धार्थनगर जिले में डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने स्कूटी फॉर रन का आयोजन किया। यह कार्यक्रम आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। स्कूटी फॉर रन में 75-75 महिलाओं की टोली ने प्रतिभाग किया और रैली को सांसद जगदम्बिका पाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू होकर मधुबेनिया वर्डपुर होते हुए पिपहरावा स्थित महात्मा गौतम बुद्ध के स्तूप की परिक्रमा के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर स्कूटी फॉर रन में प्रतिभाग करने वाली सीमा द्विवेदी ने बताया कि देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश 75वां वर्षगांठ मना रहा है आजादी का और इसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ये 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ था और अभी भी अमृत महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं, जहां शहीदों के ये स्मारक हैं, जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, जहां पे ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, युवा पीढ़ी को याद दिलाने के लिए, उन सबको याद करने के लिए, अपने देश की आज़ादी की कीमत समझने और समझाने के लिए ये आयोजन हुआ है और इसमें सभी विभागों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, मेरे साथियों ने, मेरी बहनों ने। आयोजन में लगा कि देश की आज़ादी के लिए देश के लोगों ने कितना कष्ट सहा होगा। इस रैली को संपन्न कराने में सांसद जगदम्बिका पाल और स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त हुआ, जिससे यह कार्यक्रम बेहतर तरीके से संपन्न हुआ। सिद्धार्थनगर से अमर श्रीवास्तव, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।